बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। मैं यार हर हफ्ते आपको इस न्यूज से अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि वजारत दाखिलिया की तरफ से हर हफ्ते की ये रिपोर्ट शाया की जा रही है। किस चीज की भाई? कि सऊदी अरेबिया में भाई जैसे जैसे इस वायरस के केस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे सख्ती बढ़ रही है। तो इकामा वाले बंदे, महीना वाले बंदे और जो हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले बंदे हैं, उनकी जो यानी कि एक हफ्ते में भाई कितने हजार पकड़े जाते हैं। यहां पर मैं अभी आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रखा हूं जो वजारत दाखिलिया की तरफ से ही दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जी 12,862 अफराद टोटल पकड़े गए हैं इन बाई यानी कि इस एक हफ्ते के अंदर 12,862 अफराद। अभी मैं आपको बता देता हूं, इकामा वाले निजाम मुखालफा निजाम अल इकामता यानी कि जिनके इकामे एक्सपायर वगैरह थे, वो बंदे 4,366 अफराद पकड़े गए हैं सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। उससे आगे देखना ही मुखालफा निजाम अल हदूद 7,369 अफराद, 7,369 अफराद भाई वो पकड़े गए हैं जो आपको पता है किसी बॉर्डर है ये सऊदी अरेबिया में घुसते हैं गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो कोई बंदरगाह है चाहे वो कोई जमीनी रास्ता है। फिर 7,369 अफराद भाई गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया में इंटर होते हुए इस एक हफ्ते में पकड़े गए हैं। और आगे आ जी मुखालफा निजाम अल अमल 1,127 अफराद, जी 1,127 अफराद भाई वो हैं जिनका महीना कुछ और है, काम कुछ और कर रखे हैं जी। या जैसा कि मेरा कफील अगर जद्दा का हो तो मैं रियाद में पकड़ा जाऊं, और मैं महीना मेरा कुछ और है, कफील भी जद्दा का है, मैं रियाद में मिस्त्री के पीछे दिहाड़ी लगा रहा हूं। यहां इसमें भाई ज्यादा सख्ती साए खास के बंदों के ऊपर है, यानी कि जो घर के ड्राइवर होते हैं, अगर वो बंदा कहीं पकड़ा जाए खासकर किसी दूसरे शहर पे, तो उसके ऊपर भाई ज्यादा सख्ती होती है। तो अभी भाई थोड़ी एहतियात कीजिए, अगर आप का इकामा भी मौजूद है, अगर आप अपने महीने के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या आपका कफील किसी और शहर का, आप किसी और शहर में है, फिर भी भाई थोड़ी एहतियात कीजिए। अगर आपका सब कुछ बिल्कुल ओके है फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मेरे आजाद भाई हैं जो बाहर आपको पता ही दिहाड़ी वगैरह का काम करते हैं, वो कफील को मंथली वगैरह या जो भी होता है उनका हिसाब, वो भाई थोड़ी एहतियात करें अभी।